नमस्कार दोस्तों, हमने बचपन से आज तक यही सुना है कि हमारा IQ तेज होना चाहिए, अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमारा IQ लेवल हमें बढ़ाना होगा। ऐसी कहीं बात आपने सुनी होगी, पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि IQ तेज होगा तो ही हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे या सक्सेस हासिल कर पाएंगे। लाइफ में सफल होने के लिए IQ के अलावा भी एक और चीज है, और वो है EQ, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंट। आप सोचते होंगे कि ये इमोशनल इंटेलिजेंट क्या है, हमने IQ के बारे में तो सुना था, पर ये EQ कहाँ से आया? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही बात को जानेंगे कि क्यों हमारे लाइफ में IQ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट EQ का, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस का है। व्हाट इज द इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि अपनी क्षमताओं और अन्य लोगों की फीलिंग और इमोशंस को पहचानना, और ये इमोशन को समझ के अपनी थॉट प्रोसेस में सही बदलाव करके सही निर्णय लेना, और अपने ये इमोशन को अच्छी तरह से जानकर अपनी लाइफ के सिचुएशन को हैंडल करना और हमारे जो भी गोल है उसे पूरा करना। दोस्तों हमारी लाइफ की सफलता में IQ का योगदान सिर्फ और सिर्फ 20% ही है, बाकी का 80% योगदान EQ यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस का है। खुद को मोटिवेट करना, परसिस्टेंस, इम्पल्स कंट्रोल, मूड रेगुलेशंस, एम्पथी, वो सब ये EQ की ही बदौलत हैं। IQ और EQ एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं, पर वो दोनों एक साथ ही कार्य करते हैं। कोई इंसान IQ से ब्रिलियंट हो सकता है, पर अगर वो इमोशनल इंटेलिजेंस से अयोग्य होगा तो वो उनके लाइफ की प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। हम आज तक ये मानते आए हैं कि जिसका एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, कॉलेज स्कूल में टॉपर हो, जो पढ़ा हुआ सब कुछ याद रख सके, जिसे सब चीज के बारे में पता होता है, वो हाईएस्ट IQ वाले लोग होते हैं। पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट IQ होने से हमारी लाइफ में हैप्पीनेस और लाइफ सेटिस्फेक्शन होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपने देखा होगा इस दुनिया के इतिहास में कहीं टॉप साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, मल्टीमिलियनेयर, पॉपुलर एक्टर्स, डॉक्टर्स जैसे लोग थे, उन लोग का हाईएस्ट IQ था, पर वो लोग में इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि EQ कम होने की वजह से वो लोग ने लाइफ में सुसाइड कर लिया था। आप वो सब के नाम और इन्फॉर्मेशन गूगल करके देख सकते हैं। दोस्तों वो लोग का हाईएस्ट IQ था, तो फिर क्यों वो लोग ने सुसाइड करके अपनी लाइफ को खत्म कर दी? क्योंकि दोस्तों वो लोग उनके खुद के इमोशंस और सिचुएशन को लो IQ की वजह से वो लोग उसको समझ ना सके, और उन्होंने ये कदम उठाया था। इसीलिए हमारी लाइफ में हाईएस्ट IQ के साथ साथ हाईएस्ट EQ का यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस का होना भी अनिवार्य है। अगर ये दोनों होंगे तो हम लाइफ में सक्सेस, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप और सोशल लाइफ को अच्छे से हैंडल करने के लिए काबिल बन जाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि इमोशन किस तरह के होते हैं और हमें इसके बारे में क्यों जानना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस। वर्ल्ड के जाने माने साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट प्लचिक्स थियरी के मुताबिक 8 बेसिक इमोशंस है, जैसे कि एक्साइटेड, सैडनेस, एंगर, सिक, सरप्राइज, हैप्पी, अनहैप्पी, बोर्ड। दोस्तों अगर ये 8 इमोशंस को हम अच्छी तरह से समझ ले तो हमारी इससे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। सेल्फ अवेयरनेस के बारे में हम आगे डिटेल में समझने वाले हैं। ये 8 इमोशन जो हम फील करते हैं, इसका सीधा असर हमारे बिहेवियर पर पड़ता है। अगर हम अच्छा फील करते हैं तो हमारा बिहेवियर भी अच्छा होता है, और अगर आपका बिहेवियर अच्छा होगा तो आपकी लाइफ में लोगों के साथ आपका रिलेशन भी अच्छा होगा, जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रो करने में हेल्पफुल बनेगी। अगर हमने हमारी इमोशन को समझ कर वो सिचुएशन कैसे रिएक्ट करना है, वो स्किल को हमने समझ लिया, तो आपकी लाइफ सरल हो जाएगी। बुक्स के ऑथर डैनियल गोलमैन ने 4 बिग आइडियाज इस बुक में बताए हैं, जिसको जान के हम हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस को हाईएस्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप अपने EQ को बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो को अंत तक देखते रहिए। फर्स्ट, सेल्फ अवेयरनेस यानी कि नोइंग योर इमोशंस। अगर हमें इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाना है तो सबसे पहला एक काम हमें करना है, और वो ये कि हमें सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना होगा। हाईएस्ट IQ वाले लोग अपने खुद के इमोशंस, स्ट्रेंथ, वीकनेस के बारे में उन्हें अच्छी तरह से पता होता है। वो लोग जानते हैं कि इनकी फीलिंग उनके खुद के ऊपर और दूसरों के काम के ऊपर कौन सी इम्पैक्ट कर रही है। वो लोग अपने और दूसरों के प्रति हॉनेस्ट होते हैं। वो लोग खुद के गोल और वैल्यू को अच्छी तरह से समझते हैं। वो लोग अपने आप पर कॉन्फिडेंस तो होते ही है, पर वो लोग खुद के लिमिटेशन के बारे में भी उन्हें पता होता है। यानी कि वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वो लोग कुछ काम कर सकते हैं और कुछ काम करना उनके खुद के बस में नहीं है। और इस तरह की सेल्फ अवेयरनेस होने के कारण उन लोगों को फेलियर मिली भी तो वो लोग आसानी से ये फेलियर में से बाहर निकलने का रास्ता खोज ही निकालेंगे। सेकेंड, सेल्फ मैनेजमेंट यानी कि मैनेजिंग योर इमोशंस एंड हैंडलिंग योर फीलिंग्स।
रमेश और दिनेश दोनों बैंक एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे। उन्हें पता चला कि उनके शहर में बैंक एग्जाम की तैयारी कराने वाली बहुत अच्छी कोचिंग क्लास चल रही है और वो क्लास के कई स्टूडेंट्स आज बैंकों में जॉब कर रहे हैं। ये बात जानकर दोनों ने वो क्लास को ज्वाइन करने के बारे में सोचा और वो दोनों क्लास के टीचर के पास एडमिशन लेने के लिए गए। दोनों में से सबसे पहले रमेश क्लास के अंदर गया और रमेश ने वो टीचर से कहा, मुझे आपके क्लास को ज्वाइन करना है। तो वो टीचर ने रमेश को कहा कि भाई आप बहुत लेट आए हो, मेरा क्लास अब फुल हो चुका है, इसीलिए अब मैं आपको क्लास में एडमिशन नहीं दे सकता हूँ। ये बात को सुनकर रमेश गुस्से में आ गया और कहने लगा कि मैं आपको फीस तो दे रहा हूँ, फिर भी आप मुझे क्लास में नहीं लेना चाहते। आप जानते नहीं मैं कौन हूँ और मेरी कितनी पहचान है। अगर आप मुझे क्लास में नहीं लोगे तो मैं आपका ये क्लास बंद करवा दूंगा। तब वो टीचर ने कह दिया, भाई तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हें क्लास में नहीं ले सकता। और रमेश गुस्से में क्लास छोड़ के चला गया। दिनेश ने ये सब देखा और रमेश के जाने के बाद दिनेश भी क्लास में एडमिशन लेने के लिए वो टीचर के पास गया और टीचर से कहा कि सर आपको तो ऐसे कहीं लोग आते होंगे जो आपसे बदतमीजी से बात करते होंगे, आपको तो बहुत परेशानी होती होगी। तब वो टीचर ने कहा, हाँ हाँ ऐसा बहुत होता है, लेकिन आप जैसे लोग भी आते हैं जो मुझसे अच्छे से बात करते हैं। दिनेश ने कहा कि सर मैं आपके क्लास में एडमिशन लेने आया हूँ। तब वो सर ने कहा, बेटा मेरे क्लास में अब जगह नहीं है, क्लास फुल हो चुका है, इसीलिए आपको एडमिशन नहीं मिल सकता। तब दिनेश ने कहा कि कोई बात नहीं सर, अगर कोई क्लास छोड़ दे तो मुझे जरूर बताना, मैं आपको मेरा फोन नंबर दे के जाता हूँ। तब वो सर ने दिनेश का नंबर लिख दिया। दो दिन के बाद उनके क्लास के स्टूडेंट्स ने कुछ कारणों की वजह से वो क्लास छोड़ दिया। तब वो सर ने दिनेश को फोन करके क्लास में एडमिशन दे देता है, पर वो रमेश को फोन भी नहीं करता है। दोस्तों यहाँ पर सिचुएशन सेम है, पर आप किस तरह से इमोशनली बिहेव करते हो, दूसरों से आप कैसे बात करते हो, उस पे ही आपका रिजल्ट डिपेंड होता है। ये स्टोरी में आपने देखा कि दिनेश का काम हो गया पर रमेश का काम नहीं हुआ। अगर रमेश भी वो सिचुएशन को अच्छी तरह से समझकर हैंडल करता तो उसको भी एडमिशन मिल सकता था। अंततः ये स्टोरी का कंक्लूजन ये है कि रमेश का इक्यू लेवल लो था और दिनेश का इक्यू लेवल हाई था। जो हाई इक्यू वाले लोग होते हैं वो लोग कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को भी अच्छी तरह से हैंडल कर पाते हैं, वो लोग प्रोएक्टिव होते हैं, उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं, लोगों से किस तरह से बात करनी है। इमोशनल इंटेलिजेंट लोग खुद के और दूसरों के इमोशन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और खुद के इमोशन बदल कर वो सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हैं। हाईएस्ट इक्यू वाले लोग का बिहेवियर इस तरह का होता है कि वो लोग सामने वालों को इम्पोर्टेंट फील करवाते हैं और सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हैं और इसकी बदौलत उनको वही रिस्पेक्ट वापस खुद को भी मिलती है। बिग आइडिया नंबर 3, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि हैंडलिंग रिलेशनशिप्स और डीलिंग विथ अदर पीपल। रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे मैंने 2-3 वीडियो बनाई है जिसकी लिंक अभी आपको ऊपर शो कर रही है, आप वो देख सकते हैं। बिग आइडिया नंबर 4, सोशल अवेयरनेस, यानी कि मास्टरिंग द फंडामेंटल पीपल स्किल्स। अगर आप जितना खुद के प्रति सेल्फ अवेयरनेस ज्यादा होगी, इतना ही आप लोगों की फीलिंग को अच्छे से समझ पाने में सक्षम बन जाएंगे। जो लोग दूसरे लोगों की फीलिंग को पढ़ सकते हैं वो लोग मोर पॉपुलर, मोर आउटगोइंग और मोर सेंसिटिव होते हैं। सिंपैथी वर्सेस एम्पैथी, दो तरह के लोग होते हैं, एक सिंपैथी और दूसरा एम्पैथी। ये बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। आपकी लाइफ को भी ये स्टोरी के साथ कनेक्ट करना और आप खुद अगर ये सिचुएशन में होते तो क्या करते और सोचना कि आपका इक्यू लेवल हाई है या लो है। मान लो कि आपके दोस्त अमित कॉलेज की एग्जाम में फेल हो गया और आपको वो फेलियर के बारे में बताता है। सहज है कि अमित की मानसिक हालत बहुत खराब है और वो सिचुएशन में आप उनसे अगर ये कहो कि अमित मैंने तो कहा ही था कि एग्जाम में मेहनत नहीं करोगे तो फेल ही होगे, तुमने हमारी बात नहीं मानी, तो अब खुद का किया खुद ही भुगतो। और ये सुन के आपका दोस्त अमित दुखी हो जाएगा और मनोमन सोचेगा कि मेरा दोस्त कितना घटिया इंसान है, मेरे दुख के ऊपर और नमक छिड़क रहा है। तो दोस्तों ये सिचुएशन में आप एंटीपैथी हो, यानी कि आपका जीरो इक्यू है। अगर आप कहते हो कि अमित आज मुझे काम है, मैं कल तुमसे बात करूंगा, तो आप है एपैथी, यानी कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिचुएशन में आपके दोस्त को थोड़ा बुरा लगेगा, पर इतना बुरा नहीं लगेगा जितना एंटीपैथी में लगेगा। यहाँ पर आपका लो इक्यू है। सिंपैथी यानी कि ये सिचुएशन में आप अमित से कहोगे, अरे दोस्त तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे बहुत बुरा लगा। दोस्तों ये सिचुएशन में आप पहचान तो लोगे कि इसके साथ बुरा हुआ है, पर आप उसके इमोशन को नहीं समझ पाओगे। यहाँ पर भी आपका लो इक्यू है। लास्ट में आता है एम्पैथी, यानी कि इस सिचुएशन में आप अमित की फीलिंग को आप खुद महसूस करोगे, अमित के दर्द को आप अपना दर्द मानकर आप उसके लिए कुछ हेल्प भी करोगे, जैसे कि इसका मन हल्का करने के लिए उनके साथ घूमने जाओगे, मूवी देखने जाओगे, इसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करोगे। अगर आप ये सब करते हो तो आपका इक्यू यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंट लेवल हाई है,
दोस्तों, अगर आप हाईएस्ट IQ तक पहुंच जाओगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, समाज में आपका मान बढ़ जाएगा। सो ये स्टोरी हमारे इमोशन को समझने के लिए है। अपने आप को ये स्टोरी से कनेक्ट करके सोचे और आइडेंटिफाई करे कि आप उनमें से कौन से लेवल पे आते हो, और हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंट लेवल यानी कि IQ कौन से लेवल पर है। दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डैनियल गोलमैन की ये बिग आइडिया को आप अच्छे से समझ जाए तो आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। ये 4 प्रिंसिपल को डिटेल में समझने के लिए अगर आप ये बुक्स को पढ़ना चाहते हो तो मैंने ये बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जहां से आप इस बुक को परचेस कर सकते हो। दोस्तों, हमने ये वीडियो में समझा कि जिसका हाईएस्ट IQ होता है वो लोग दूसरों की मदद करते हैं, तो इसीलिए इस वीडियो को शेयर करके हमारे देश के सारे लोग तक पहुंचाने में मेरी हेल्प करें। क्या पता दोस्तों, आपके द्वारा शेयर की गई ये वीडियो किसी को काम आ जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और भी आने वाले इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल एनिमेटेड बुक समरी को देखने के लिए हमारे चैनल डिजायर हिंदी को अभी ही सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।